देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। बिहार और दिल्ली की लड़ाई अब खुलकर के सामने आ गई है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की दोस्ती अब जो है दुश्मनी में बदल चला है। नीतीश कुमार को पूरी तरह से निपटाने का प्लान आलाकमान दिल्ली में बैठकर कर लिया है। नीतीश को और जेडीयू को खत्म करने के लिए ही संजय झा को जेडीयू की कमान दी गई है। ललन सिंह को कैबिनेट देके नीतीश कुमार से दूर करने की कोशिश की गई, तब इसके बारे में बातें नहीं हुई थी और मोदी जी ने ललन सिंह को अपने पास अपने करीब ले आए। लेकिन संजय सिंह अभी जेडीयू में है और दिलो दिमाग से वो मोदी शाह के लिए समर्पित है। संजय झा वो व्यक्ति है जो जेडीयू में सुई की तरह घुसा तो है लेकिन तलवार बन के निकलेगा और जेडीयू को दोफाड़ कर देगा। बिहार की सियासत एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है चर्चा में आ गई है, क्योंकि अब जेडीयू की कमान जो है वो संजय सिंह को दिया गया है, जो नीतीश कुमार के करीबी तो माने जाते हैं कथित तौर पर, लेकिन वो दिलो दिमाग से नरेंद्र मोदी और शाह के लिए समर्पित हैं। दिल्ली में चल रही जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया शनिवार को। इस फैसले के तहत संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय झा को जिम्मेदारी मिलने के बाद अब सियासी जगत में चर्चा है कि आखिर संजय झा को ही क्यों ये जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको मैं समझाती हूं कि आखिर इस फैसले के पीछे वजह क्या है, नीतीश कुमार ने कैसे चक्रव्यूह रच दिया है या नीतीश कुमार के लिए चक्रव्यूह रचा गया है, यह बड़ा सवाल है। अब संजय झा जिसके लिए समर्पित होंगे, कुछ को लगता है वो नीतीश कुमार के लिए समर्पित है तो कुछ को लगता है वो मोदी और शाह के लिए समर्पित है। अब संजय झा जिनके लिए समर्पित होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में वह पार्टी जो है लीड करेगी। कुछ समय पहले नीतीश कुमार को लेके ये चर्चा हो रही थी, ये बात सामने आई थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर नहीं बीजेपी, अब मोदी जी के नेतृत्व पर और बीजेपी के नेतृत्व पर एनडीए जो है विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ने वाली है। अब ऐसे में जब संजय झा को अध्यक्ष बनाया गया तब ये चर्चा भी है, तो क्या नीतीश कुमार बस एक डमी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्या वो अब एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री रहेंगे, क्या संजय झा को अध्यक्ष बना करके नरेंद्र मोदी और शाह ने जेडीयू को खत्म करने का एक तरह से ऐलान कर दिया है, क्या वाकई बीजेपी जो है आलाकमान जो है वो जेडीयू को नीतीश की पार्टी को पूरी तरह से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ महीनों में निगल जाएगी, और उन 12 सांसदों का क्या होगा जो जेडीयू के साथ है, क्या उन्हें भी तोड़ने की उन्हें उसमें भी तोड़फोड़ करने की कोशिश बीजेपी रच रही है, ये भी खबरें हैं। इस पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक वांखेड़े जी से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपके सामने रखती हूं, उसे सुनने और समझने के बाद आपको पूरा का पूरा मामला आपके सामने साफ हो जाएगा, पिक्चर पूरी तरह से आपके सामने क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा सर मैं बिहार पर आपको एक दो सवाल कर लूंगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, इंडिया में शामिल हो सकते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा संभव भी है, या 12 सांसद अगर चले भी जाए तो इंडिया को कुछ फर्क पड़ेगा भी एनडीए को? अभी एक बात तो तय हुई, आज नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी जनता दल यूनाइटेड की और उसमें एक बहुत बड़ी घोषणा हुई, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। संजय झा का कार्यकारी अध्यक्ष बनना ये जनता दल यूनाइटेड का अंत की शुरुआत है। संजय झा ये बीजेपी से आए हुए हैं, संघ से आए हुए हैं, और संजय झा ही है जिन्होंने नीतीश कुमार को आरजेडी से अलग कर, इंडिया गठबंधन से अलग कर एनडीए में ले गए थे। जो ये काम करने वाला बीजेपी का स्लीपर सेल आपके पार्टी में है, यदि उसी के हाथ में पार्टी की बागडोर चली जाएगी तो ये पार्टी अब बीजेपी में कब विलय होगी इसका इंतजार करना होगा। यानी धीरे धीरे जेडीयू को जो है पूरी तरह से खत्म करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और अब जेडीयू के खत्म होने के साथ नीतीश कुमार के राजकीय भविष्य पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा।
जी सर, फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देशनीति के मंच पर आने के लिए। धन्यवाद।